सरप्राइजेस दोस्तों किस किस को नहीं पसंद। हम सभी को यार पसंद है कि कोई हमें सरप्राइज करे कुछ ऐसे बॉक्सेस को देकर के। तो इसलिए हमारे पास एक मिस्ट्री बॉक्स आया भाई अमेज़न की तरफ से, और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है। तो चलिए फटाफट से इसको हम अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स का जो साइज है दोस्तों आप देख सकते हो कि हमें अच्छा खासा बड़ा देखने को मिल जाता है। अच्छा, उससे पहले ये जो काम ऑलरेडी करते रहते हैं हमें उनका नाम लेना पड़ेगा और उनकी तरह हमें बोलना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। वैसे आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अमेज़न जो है वो खुद सामान नहीं बेचता है, उसके ऊपर जो कुछ सेलर्स होते हैं वो सामान को बेचते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अमेज़न के ऊपर एक सेलर है जिनका नाम है भाई नूब गेमर्स। जी हाँ, ये सेलर का नाम है, मतलब ब्रांड का नाम है ये नूब गेमर्स। तो देख रहे हो, मतलब ब्रांड को भी पता है कि यार हम बहुत बड़े वाले नूब हैं, तो यार इसलिए नूब गेमर्स करके ब्रांड है। उन्होंने हमको अप्रोच करा कि भाई हम आपको एक बॉक्स भेजेंगे, उसके अंदर हमारा कुछ सामान होगा, तो उसको कृपया दिखाइए अपने चैनल के ऊपर और अनबॉक्स करिए हमारे सामानों को। तो देखते हैं भाई नूब गेमर्स ने हमको क्या क्या भेजा है, और देखते हैं कि नूब गेमर्स जो हैं वो क्या क्या बनाते हैं मुझ जैसे नूबड़े लोगों के लिए, जो कि CSGO Valorant के अंदर एक बहुत बड़े वाले नूब हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मेरे को देखने को मिलते हैं दो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मुझे भी वैसे नहीं पता था कि इन्होंने क्या क्या भेजा है। तो अभी देखते हैं कि एक तो इन्होंने हमें भेजा है भाई माउस, जो कि आता है नूब गेमर्स की तरफ से, उनका हनीकॉम RGB गेमिंग माउस HC01 हीरो। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट है इनका, ये है एक RGB माउस पैड, जो कि एक एक्सटेंडेड वाला वर्जन है नूब गेमर्स का, सॉफ्ट क्लॉथ RGB माउस पैड। ठीक है, बढ़िया। तो माउस पैड को तो अभी हम यहाँ पर रखते हैं, फटाफट से हम जो है इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, जो कि मतलब देख रहे हो बॉक्स के अंदर भी हमें दो बॉक्स मिले हैं, एक है माउस और एक है हमारा ये माउस पैड। अब एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग जो है माउस को खोल लेते हैं, माउस की पैकेजिंग को। तो बॉक्स के अंदर एक बॉक्स, फिर उस बॉक्स के अंदर भी दोस्तों एक और बॉक्स, तो मतलब कितने सारे बॉक्स हमें जो है यहाँ पर खोलने पड़ रहे हैं। तो फाइनली अब हमारे सामने जो हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, तो यहाँ पर हमें कुछ कागज वागज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक है ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं, जैसे कि क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह, यूजर मैनुअल वगैरह, वो सब दे रखा है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट आ जाता है, यानी कि हमारा माउस आ जाता है यहाँ पर, तो देखते हैं कि हमें कितना प्रो बना देता है भाई गेमिंग के अंदर, क्योंकि नूब गेमर्स का ऐसा कहना है कि ये नूब लोगों के लिए बना है ताकि वो अच्छी गेमिंग कर सकें। तो फर्स्ट इंप्रेशन में तो भाई माउस मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है इनका भाई, फिर से बता देता हूँ, हनीकॉम RGB गेमिंग माउस HC01 हीरो। इसके अंदर हमें टोटल भाई 8 बटन्स मिल जाते हैं, 13 RGB स्पेक्ट्रम मोड्स मिल जाते हैं, 7200 DPI तक जो है हमें इसके अंदर मैक्सिमम सपोर्टेड है, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ब्रेडेड केबल भी मिल जाती है, तो जी हाँ, केबल भी इसकी ब्रेडेड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। एंड जो इस कि जो मतलब ग्रिप मेरे को लग रही है, वैसे ग्रिप मेरे को इसकी काफ़ी सही लगी। अगर आप एक पाम ग्रिप वाले हो, क्लॉ ग्रिप की जगह अगर आप एक पाम ग्रिप वाले हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाला है, सीरियसली। ठीक है, और जो मतलब फिनिश भी है ना इस माउस की, वो भी मेरे को यार काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा, माउस के बारे में थोड़ा सा और आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, अभी हम जो है फिलहाल इनका जो है ये माउस पैड भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसको भी मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। तो बॉक्स ओपन करते ही फिर से हमें जो है कुछ नूब गेमर्स का कुछ पेपर वर्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वेलकम टू नूब गेमर्स। अच्छा जी, इसके ऊपर लिखा है वेलकम टू नूब गेमर्स कम्युनिटी, बढ़िया। तो नूब गेमर्स की कम्युनिटी में हमको वेलकम करा जा रहा है कि आप बहुत बड़े वाले नूब हैं, तो हम आपको नूब गेमर्स की कम्युनिटी में हम आपको वेलकम करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है दो वायर्स देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक है, दोनों ही मेरे को सेम सी लग रही है, माइक्रो USB वाली केबल लग रही है दोनों। ठीक है, तो माउस पैड मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, तो माउस पैड की क्वालिटी वैसे मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड जो सबसे बेस्ट चीज़ लग रही है ना मेरे को इस माउस पैड के अंदर, वो ये है कि इसके ऊपर कहीं पर भी कोई ब्रांडिंग नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं काफ़ी सारे माउस पैड देखता हूँ, उनके ऊपर भाई ब्रांडिंग दी होती है, तो वो ना मतलब ब्रांडिंग बार बार अच्छी सी नहीं लगती सेटअप के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें कहीं पे भी कोई ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलती, जो कि काफ़ी अच्छी बात है आपके सेटअप के अंदर, फिर काफ़ी अच्छा लगेगा ये जो माउस पैड है। वायर इसके साथ में हमें जो है दो देखने को मिल जाती है, एक तो नॉर्मल है और एक ब्रेडेड वायर है। ठीक है, तो ब्रेडेड वाली जो है, अब दूसरी क्यों दी है वो तो मेरे को नहीं पता, बाकी ब्रेडेड वाली ही मोस्टली जो है लोग यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि भाई क्वालिटी अच्छी ना इस वायर की, तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। चलो, अब दोनों प्रोडक्ट्स को हम लोग वैसे अनबॉक्स तो कर लिया है, अब हम जो इसको थोड़ा डिटेल में और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो इनका जो ये माउस है उसका एक क्लोज लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर इनका जो है माउस रखा हुआ है, सबसे पहले इसका बॉक्स आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ से थोड़े क्लोज लुक में। तो यहाँ पर जो है आपको नूब गेमर्स की ब्रांडिंग दी जाती है, एंड यहाँ पर जो है इस माउस का जो है मॉडल नेम लिखा हुआ है, जो कि इनका HC01 हीरो। ठीक है,
वैसे ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको इनकी दिखा रहा हूँ, लिंक वैसे आपको इनकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी अगर आप जाके अमेजोन के ऊपर चेकआउट करना चाहते हो तो सभी लिंक्स जो है वहाँ पर मैंने दे रखी है। तो यहाँ पर जो इनकी कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस भी दे रखी है इस माउस की, किसके अंदर आपको जो है इंस्टेंट 725 गेमिंग ग्रेड सेंसर यहाँ पर दिया जाता है, एक 1.5 मीटर की जो है ब्रेडेड केबल यहाँ पर दी जाती है, 7200 DPI तक जो आप मैक्सिमम जो इसके अंदर लगा सकते हो, 5 मिलियन क्लिक्स का जो इसका टोटल लाइफ स्पैन है, 16.8 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है क्योंकि इसके अंदर हमें जो RGB भी देखने को मिल जाती है, और थोड़े बहुत और कुछ फीचर्स जो यहाँ पर दे रखे हैं। वैसे अब हम जो है डायरेक्टली मेन प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं जो कि इनका ये वाला माउस। तो माउस आप देख सकते हो इसके अंदर जो हमें डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलता है वो काइंड ऑफ काफ़ी डिफरेंट है दूसरे माउस के कंपैरिजन में। देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पर एक हनीकॉम्ब वाला डिज़ाइन दिया जाता है, बाकी जो माउस है वो पूरा का पूरा प्लेन है। एंड ये जो हनीकॉम्ब डिज़ाइन है इसके अंदर भी जो इन्होंने यहाँ पर थोड़ी बहुत इसको ग्रिल कहूँगा मैं, यहाँ पर ग्रिल दे रखी है, इस वजह से क्या होगा कि आपका जो माउस है उसके अंदर डस्ट नहीं जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। जितने भी हनीकॉम्ब माउस होते हैं उनके अंदर ये एक इशू होता है कि वो अंदर से गंदे हो जाते हैं क्योंकि वो वहाँ से डस्ट चली जाती है ना अंदर, तो वो चीज़ जो है वो इस माउस के अंदर नहीं होने वाली है। इस माउस के अंदर हमें टोटल भाई 8 बटन्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिनको कि आप भाई असाइन कर सकते हो अपने गेम्स के अंदर अलग अलग टास्क के लिए। अब देखो भाई यहाँ पर आपको साइड में सबसे पहले यहाँ पर 2 बटन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला काम भी करते हैं। देन हमको जो है यहाँ पर हमारी जो एज यूजुअल जितने जो भी हमारी राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक होती है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। एक यहाँ पर हमें एडिशनल बटन मिल जाता है, ये वाला जो बटन है ये मैंने बहुत कम देखा है माउस के अंदर, जो कि मैंने इससे पहले तो नहीं देखा टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि एक मेरे को काफ़ी सही चीज़ लगी। अगर आप गेम्स के अंदर कुछ और असाइन करना चाहते हो तो आप इस बटन के थ्रू जो है यहाँ पर असाइन कर सकते हो, तो जो आपका थोड़ा बहुत नूब गेम प्ले है क्या पता वो थोड़ा सा सुधर जाए यहाँ पर कुछ असाइन करने के बाद। देन यहाँ पर हमें जो है 2 बटन्स और यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं हमारे स्क्रोल व्हील के नीचे, ठीक है। तो और इसमें से जो हमारा जो नीचे वाला बटन है ये है भाई RGB के लिए, और जो उसके ऊपर वाला बटन है वो है भाई हमारा DPI स्विच करने के लिए। तो जो उसका ऊपर वाला बटन है यानी कि ये वाला, आप जो इसको प्रेस करके यहाँ पर DPI को ऊपर या फिर कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो, और जो इसका नीचे वाला बटन है वो भाई RGB के लिए है। तो जैसे कि अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारी RGB चेंज हो जाती है, जैसे कि देख सकते हो ये दूसरा इफेक्ट है RGB का, ये कोई और इफेक्ट है। तो यहाँ पर आपको जो RGB के बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई स्पेसिफिक कलर भी लगाना चाहते हो अपने थीम के हिसाब से, जैसे कि अब यहाँ पर जो है ग्रीन लग गया है तो आप जो स्पेसिफिक कलर्स भी इसके अंदर जो है सेट कर सकते हो। अब जैसे कि हमारा कुछ रेनबो वाला इफेक्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे कर करके हमें बहुत सारे इफेक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे कि ये पर्पल कलर आ गया अब यहाँ पर, तो इस तरीके से बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो कि आप इसके अंदर लगा सकते हो। साथ ही में अगर आप इसकी RGB को ऑफ करना चाहते हो तो आप जो ऑफ भी कर सकते हो, तो वो ऑप्शन भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। केबल क्वालिटी के बारे में बात करो तो यहाँ पर जो है हमें ब्रेडेड केबल दी जाती है जो कि काफी अच्छी चीज है, एंड जो केबल की क्वालिटी लगी मेरे को ब्रेडेड केबल के साथ में वो मेरे को काफी ज्यादा जो है यहाँ पर पसंद आई। अब देखो भाई ये जो माउस है इसके ऊपर मैंने यार काफी सारे गेम्स खेल के देखे, जैसे कि मैंने इसके ऊपर वैलोरेंट खेल के देखा तो वहां पर मेरे को यार कोई भी इशू फेस नहीं हुआ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा भाई इस माउस के साथ गेमिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा जो है अच्छा था। अच्छा वैसे इस माउस का जो वेट है वो है भाई 110 grams, तो 110 ग्राम वैसे ना तो बहुत ज्यादा है ना ही काफी कम है। वैसे तो कहते हैं कि जो FPS गेम्स होते हैं उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट माउस का यूज़ करना चाहिए, बट फिर भी 110 ग्राम्स का है, मेरे को वैसे कोई भी इशू फेस नहीं हुआ। आराम से जितने भी FPS गेम्स थे वो आराम से जो है मैं इसके ऊपर एंजॉय कर पा रहा था। हर प्रोडक्ट दोस्तों यार बिल्कुल भी यार परफेक्ट नहीं होता, हर प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई कमी दोस्तों यार रह ही जाती है। इस माउस के साथ में हमें कोई भी जो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप ये चाहते हो कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू जो इसकी DPI है, इसकी जो RGB है उसके कलर्स को चेंज करना, DPI को कम या फिर ज़्यादा करना, वो सभी जो ऑप्शंस है वो आपको इस माउस के साथ में देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो कि ठीक है, वैसे आप जो है अगर आपको जो इसकी RGB को अगर चेंज करना है, इसके जो DPI को चेंज करना है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि माउस के ऊपर ही आपको जो है 2 डेडिकेटेड बटन्स देखने को मिल जाते हैं, एक है DPI के लिए और एक है RGB के लिए। तो आप जो उसके थ्रू जो है आपको डायरेक्टली यहां से कंट्रोल करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। प्राइस के बारे में आपको बता देता हूं, तो ये माउस आपको भाई देखने को मिल जाएगा 1499 रुपीज का, यानी कि 1500 रुपए का ये माउस है। 1500 रुपए के हिसाब से ठीक है, काफी अच्छी चॉइस हो सकती है, आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। गेमिंग ग्रेड सेंसर मिल जाता है और बाकी फीचर्स तो मैंने आपको बताई दिए हैं। ये है भाई इस माउस पैड का बॉक्स, तो इसका एक क्लोजर लुक जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो इसके ऊपर हमें अगेन यहाँ पर नूब गेमर्स की ब्रांडिंग दे दी जाती है, एंड इसकी जो है नीचे यहाँ पर हमारा जो है मॉडल नेम लिखा हुआ है जो कि है MPR01 हिकारू सॉफ्ट क्लोथ RGB माउस पैड, ठीक है।
और साथ में जो यहाँ पर अगर हम बॉक्स को टर्न करते हैं तो यहाँ पर हमें जो इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर इसकी डायमेंशन लिखी गई है 80x30 सेंटीमीटर, स्पेक्ट्रम मोड 12 मोड जो इसके अंदर हमें RGB के दिए जाते हैं, क्लॉथ एडिशन है, साथ में कॉम्पैक्ट है, डिटैचेबल जो इसके अंदर हमें केबल देखने को मिल जाती है, रबराइज जो है इसके अंदर हमें बेस देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अब हम लोग जो है माउस पैड के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो भाई, ये जो माउस पैड है ना, इसके नीचे आपको एक रबराइज्ड काइंड ऑफ फिनिश देखने को मिल जाती है। अब इससे क्या होता है कि जो आपका माउस पैड है ना, वो ऐसे मतलब स्लाइड नहीं होता, जैसे कि आप इसके ऊपर अगर अपना माउस जो है वो यूज कर रहे हो या फिर आप जो है कुछ भी कर रहे हो, तो आपका जो माउस है वो स्लिप नहीं होगा आपके डेस्क के ऊपर से, जो कि काफी अच्छी चीज है। अगली चीज ये है कि भाई, इस माउस पैड के अंदर जो आपको RGB देखने को मिलती है वो चारों तरफ आपको देखने को मिल जाती है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो इतनी ब्राइट नहीं है, एंड ये एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, जितने भी आपको ये 1200-1500 रुपए के आसपास में जितने भी आपको ये माउस पैड देखने को मिलेंगे, सबके अंदर ये चीज है कि जो RGB है, जब आपके रूम की लाइट्स वगैरह ऑफ होंगी तो ही वो आपको जो है ढंग से ब्राइट दिखेगी। अगर आप जो है रूम की लाइट्स वगैरह ऑन कर दोगे तो वो काफी डिम सी दिखेगी, ज्यादा ब्राइट नहीं दिखेगी, जो कि एक्सपेक्टेड होता है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर आप कोई भी माउस पैड लोगे तो उसके अंदर आपको ब्राइट सी आपको जो RGB देखने को नहीं मिलेगी, तो ये नॉर्मल है, ये कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अब जब RGB की बात चली रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो हमें एक बटन देखने को मिल जाता है, जिसको कि आप जो है टैप करके इसके अंदर जो भी RGB मोड्स हैं आप जो उसके बीच में साइकिल कर सकते हो। काफी सारे मोड्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो सिंगल एक बटन है, उसी के थ्रू जितने भी आपके RGB के इफेक्ट्स हैं आप जो इसके बीच में साइकिल यहां पर कर सकते हो। अगली चीज ये है कि भाई, इस माउस पैड के अंदर बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने Amazon के ऊपर गया, मैं इस माउस पैड को जो है चेकआउट कर रहा था कि भाई इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं, तो वहां पर ये लिखा था कि अल्ट्रा स्मूथ माउस पैड। तो भाई देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने काफी सारे माउस पैड्स को यूज कर रखा है, ठीक है, ये माउस पैड जो है काफी मेरे को थोड़ा सा रफ लगा, जैसे कि वहां पर लिखा हुआ है ना Amazon के ऊपर कि भाई अल्ट्रा स्मूथ है, काफी बढ़िया है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा रफ ही लगा मेरे को उल्टा। तो अगर आप चाहते हो कि एकदम अल्ट्रा स्मूथ सा आपको जो है कोई माउस पैड मिल जाए, तो वो चीज जो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा सा रफ है ये। बाकी गेमिंग करोगे तो ऐसे कोई खास दिक्कत आपको यहां पर नहीं आने वाली है, मैंने इसके ऊपर गेमिंग करी, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई, आराम से जो आपका माउस वगैरह है वो सब इसके ऊपर जो आप आराम से यूज कर सकते हो। बस जो मेरे को थोड़ा सा वो रफनेस वाली फील जो मेरे को आई, उसके बारे में मैंने जो आपको बता दिया है। अगली चीज ये कि एक्सटेंडेड वाला माउस पैड है, तो आपको पता ही होगा कि एक्सटेंडेड वाला माउस पैड है, तो इसके अंदर आप अपना कीबोर्ड भी रख सकते हो, अपना माउस भी रख सकते हो, और दोनों को जो है इसी के अंदर रख के आप यूज कर सकते हो, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होगी। माउस पैड की जो कीमत है, इसकी भी कीमत भाई 1500 रुपए है, तो 1500 का आपको माउस पैड मिल जाएगा और 1500 का ही जो है आपका माउस है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को अगर आप बाय करना चाहते हो या फिर फर्दर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो या फिर Amazon के ऊपर चेकआउट करना चाहते हो इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को, सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप जाके जो है इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो, परचेज करना चाहते हो आप परचेज भी कर सकते हो। बाकी यार, वीडियो कैसी लगी यार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।